घाटी के लोगों को पुनर्वास करे तो वो काम में आता, पर ये सब नाजायज पानी में बहा दिया। हमारी नर्मदा माता ऐसी है कि जहाँ 999 नदी नर्मदा में चलती है और कल 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 करते बहती है, गंगा में नहाने से पुण्य मिलता है, हमारी नर्मदा में सिर्फ दर्शन से पुण्य मिलता है। हमारी माँ माँ को हमने ही बचाए, सरकार ने नहीं बचाए, जंगल हमारे आदिवासियों ने बचाया है, हमारे किसानों ने बचाया है, नदी को मछुआरों ने बताया बचाया, गांव के लोगों ने बचाया। आज जाके देखो नर्मदा की क्या हालत हो रही है, गंगा की हालत ऐसी नर्मदा की हालत, जमुना की हालत ऐसी नर्मदा की हालत, काली सिंध की हालत ऐसी, सभी नदियों को खत्म करना चाहती है और बाद में त्राही त्राही मचेगी, पानी नहीं मिलेगा। पहले हमारे यहाँ बहुत सारे नदी नाले बहते थे, वो सब खत्म हो गए, सिर्फ अभी नर्मदा जी और नर्मदा का पानी तो अभी कच्चे सौराष्ट्र में तो पहुँच चुका है, पर नरेंद्र मोदी 2018 में चुनाव आ रहा है, वो बड़ा बनेगा कि मैंने कच्चे सौराष्ट्र में पानी दे दिया है, मेरे को और दो और वो जीतेगा। पर कच्चे सौराष्ट्र वाले लोग बोले हमको पानी नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पानी बहुत है, जो घाटी के लोगों को मार के उनका खून पसीना बहा के उनको खत्म करके यहाँ पानी लाए, ऐसा पानी हमको नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए लड़ेंगे, आज तक लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। हम कभी नहीं, हमारी ताकत जब भी पुलिस आती है, जब भी सरकार आती है, हमारी ताकत ज़्यादा बढ़ती है, हम ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारा सवाल है कि सरकार के पास नहीं है जवाब, हमारी ताकत ला जवाब, क्योंकि अभी हमारा जो हम प्रतिनिधि के रूप में आए, सिकलदा में भी अनशन चल रहा है, वो वहाँ ही सब लोग डटे हैं हमारे साथियों के साथ में, और नर्मदा आंदोलन जिंदा रहेगा और जिंदा रहेंगे। सब साथियों को जिंदाबाद।